कहना है कि राजनीतिक तौर पर आलोचनाओं की कोई सीमा नहीं, जितनी कोई करना चाहे, विपक्ष का ये काम होता है खूब करे, लेकिन हमने ये कहा है कि भ्रष्टाचार को रोकने का हमारा काम है। हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाहे पूर्व की सरकारों में हुआ हो, चाहे हमारे समय में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूपोल्स हैं उसको बंद करने के लिए कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी जहां पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अंतर इतना ही है कि पहले वो अपने समय में ना कर्मचारी ना कोई अधिकारी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करना और उसका जो बीड़ा उठाया हुआ है, मैं तो कहता हूं कि अगर विपक्ष के पास इस प्रकार की कोई चीजें, कोई जानकारियां हो तो निश्चित रूप से उनको हमको बतानी चाहिए। हमको नहीं बताएं तो विजिलेंस को बताएं, विजिलेंस को नहीं बताएं तो थाने में बताएं, थाने नहीं बताएं तो सीधे कोर्ट में ले जाए। कहीं ना कहीं उनको जाना चाहिए। केवल आलोचना के लिए आलोचना करना उनका धर्म है, करते रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, पब्लिक पर भी असर नहीं है। पब्लिक आज जानती है कि गरीब परिवारों में किस प्रकार से नौकरियां मिल रही हैं, और हमने तो ऐसे परिवार जिनके अंदर नौकरी नहीं है उसके घर, उसके परिवार के सदस्य को, यानी एप्लीकेंट को 5% मार्क्स, बल्कि 10% मार्क्स बाकी चीजों को मिला करके मिलते थे, जो हमने अभी 5 किए हैं। लोगों की डिमांड के ऊपर ये 10% थोड़ा ज्यादा लगते हैं तो उसको वापस 5% किया है, और बाकी जो और श्रेणियां हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको भी मिलता है। और जिस कारण से आज बच्चे पढ़ाई की ओर आकर्षित हो रहे हैं, चाहे कोचिंग सेंटर्स है, चाहे स्कूल शिक्षा है, चाहे कॉलेज शिक्षा है, सब में बच्चों की रुचि बनी है। अब जो फिर वही मैं शब्द बोलूंगा, पर्ची और खर्ची कभी नहीं चलेगी। आगे भी हमने रास्ते बंद कर दिए, कोई इस रास्ते पर आ भी नहीं सकेगा। ऐसे बहुत लोग मैं जानता हूं जो अब यानी शेखी बघारते थे कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर इतने लोगों को नौकरी दिलाई, मैंने अपने क्षेत्र में इतने लोगों को दिलाई। आज कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता कि मैंने दिलाई। हम देने वाले नहीं हैं, सामने वाले का, लेने वाले की क्वालिफिकेशन, उसकी मेरिट, उसका जो प्रतिभा है वो हमसे लेकर के जाएगा नौकरी। उसका एक सिस्टम है, सिस्टम में कोई लूप होल है तो उसको चेक करना ही हमारा काम है।